रीटिंग्स फ्रॉम दृष्टि जुडिशरी आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आज हम आपके साथ आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जो कि बहुत रेलिवेंस रखता है हम सबके जीवन में इट इज नॉट ओनली लॉयर्स एडवोकेट्स जजेस लिटिगेंट्स अक्यूज स्टूडेंट्स बट इवन द जनरल पब्लिक हु शुड बी अवेयर अबाउट सर्टन एस्पेक्ट ऑफ द लॉ लॉ हमारे जीवन को हर रोज बहुत तरीके से रेगुलेट करता है और अफेक्ट भी करता है लेकिन ये बड़ी खेद की बात है कि ज्यादातर नागरिकों को विधि यानी कि लॉ के बारे में उतनी जानकारी नहीं है जितनी जानकारी उनको होनी चाहिए उनके संविधानिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देयर फंडामेंटल राइट्स हर लॉ में कितनी बारीकियां हैं उन सब को समझने के लिए हम आपके साथ आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं लेकिन जो आपके जीवन में बहुत रेलिवेंस रखता है वी आर गोइंग टू डिस्कस द जजमेंट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सतेंद्र कुमार अंतिल वर्सेस द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिस जजमेंट वाज डिसाइडेड On the eleventh of July in the year two thousand twenty two, and the judges were Honorable Mr. Justice Sanjay Kishan Paul and Honorable Mr. Justice. एम एम सुंदरेश इट वॉज अ टू जजमेंट डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय का ये डिसीजन है जो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस पर्टिकुलर जजमेंट को डिस्कस करने के बहुत कारण हैं. सबसे पहले तो जो आम जनता है नागरिक है इस देश के उनको हर रोज किसी ना किसी लॉ से कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है तो ये पब्लिक बेनिफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस जजमेंट को पढ़ें बिकॉज ये अवेयरनेस हम सबके अंदर होनी चाहिए जो तो इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या कहा है उस पर हम अभी आएंगे very obviously it is very helpful for students it is also helpful for advocates and even judicial officers since we are going to analyze this judgment at least all those important parts that everybody should be well aware of and you know when students appear for competitive examinations, that is the PCSJ examination for judicial services, sometimes these judgments might or might not be asked in the examination, but they are so relevant because when they will be functioning as magistrates, they need to be aware as to what are the guidelines of the Honorable Supreme Court in various dimensions. So, the purpose is. मल्टीफेस्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो पब्लिक बेनिफिट या अवेयरनेस का पर्पस है हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि आज हम समाज में देखते हैं टेक्निकल अरेस्ट होते हैं टेक्निकल अरेस्ट का मतलब वो अरेस्ट जहां पे अरेस्ट की हो सकता है जरूरत उतनी ना हो पर फिर भी क्योंकि पुलिस के पास पावर है अरेस्ट करने का कुछ ऑफेंसेस में विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट तो पुलिस अरेस्ट कर लेती है एंड देन हमें एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट कई बार जाना पड़ता है एडवोकेट्स के पास भागना पड़ता है और हमें किसी ना किसी तरीके से उस प्रॉब्लम से निकलने का एक सोल्यूशन ढूंढना होता है जस्ट ऑन रिसीविंग एनी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ द पुलिस इज मेकिंग एन अरेस्ट दैट इज जनरली टर्म एज मैकेनिकल और अ टेक्निकल अरेस्ट उसके सॉलिड कोजेंट ग्राउंड्स होने चाहिए पुलिस ऑफिसर के पास किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के क्योंकि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो जो उनकी पर्सनल लिबर्टी है वो सबसे पहले कर्टेल हो जाती है हमें इस बात को समझना चाहिए डेट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ आर्टिकल्स जिनको नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता आर्टिकल 20 और 21 दोनों ही वो आर्टिकल्स हैं जिनको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सरकार सस्पेंड नहीं कर सकती और आर्टिकल 21 हमें बताता है दैट नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ आप किसी भी व्यक्ति का ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी या लाइफ के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते नहीं कर सकते जब तक आपके पास विधि द्वारा स्थापित प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ अवेलेबल नहीं है यानी कि सिर्फ लॉ की सीमाओं में रहकर ही आप किसी की पर्सनल लिबर्टी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दे रहा है स्टेट को यानी कि सरकार को कि आपके ऊपर एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है आपका यह दायित्व है कि आप किसी की भी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा जाए जब तक प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो नहीं करा जाए और वहां पर भी द गार्डियन एंजल ऑफ ऑल आवर राइट्स द सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह बहुत बारी बात बताई है कि यहां पे भी एक लिबरल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है हम बहुत हाइपर टेक्निकल या स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते लॉ को इंटरप्रेट करने में कई जगह होना भी पड़ता है पर जहां पे पर्सनल लिबर्टी की बात आती है वहां पे आपको पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देनी चाहिए वो पर्सनल लिबर्टी का जो फंडामेंटल राइट right है जो मूलभूत अधिकार है वो बाकी सब राइट right से थोड़े उच्च स्थान पर है इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल अदर राइट विच आर अवेलेबल

इंसान की समझ से थोड़ा परे हो जाए हम इसको इस तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे कि आप इसको बहुत सीधी सरल आसान भाषा में भी समझ सके और अपने उपयोग में ला सके देखते हैं सतिंदर कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई में दरअसल हुआ क्या था जो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ी फैक्ट्स कुछ इस तरह थे बहुत ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊं संक्षिप्त में जनरली होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन होती है जैसे ही लेट्स से एफआईआर इज रजिस्टर्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर रजिस्टर हुई किसी क्राइम की उस एफआईआर के रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है यानी कि जांच करी जाती है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन पुलिस अफसर तक आई है इस इंफॉर्मेशन में कितनी तथ्यात्मक सच्चाई है और इस के रिगार्डिंग अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है तो पता चले ये क्राइम अगर हुआ है तो किसने करा है कब करा है कैसे करा है ताकि लॉ के सामने उस व्यक्ति को खड़ा करा जाए और अगर वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको सजा दी जाए इट्स वेरी सिंपल इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है टू कलेक्ट ऑल एविडेंसेस सारी एविडेंसेस को सारी साक्षियों को इकट्ठा करना ताकि एक ट्रायल कंडक्ट करा जा सके उस अक्यूज के लिए और विक्टिम को अल्टीमेटली न्याय मिल सके तो जो पुलिस अफसर है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर देन आफ्टर दैट अल्टीमेटली एक चीज होती है जिसको कहते हैं पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट यानी कि पुलिस के द्वारा मैजिस्ट्रेट को सबमिट की गई रिपोर्ट वो रिपोर्ट सबमिट करी जाती है और उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि क्या ये व्यक्ति को हमने दोषी पाया या दोषी नहीं पाया वेदर दिस पर्सन और वेदर दिडेंसिस सजेस्ट दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड दी ऑफेंस और वेदर एविडेंसेस सजेस्ट अदरवाइज़ दैट इज दिस पर्सन हैज़ नॉट कमिटेड ऑफेंस दैट रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज समिड बिफोर द ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर उस रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि हां ये अक्यूज्ड है जिसने ये क्राइम कमिट करा है हमें जो साक्ष्य मिले हैं हमें उसके हिसाब से लगता है कि हाँ इस अक्यूज के खिलाफ ट्रायल होना चाहिए इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने ये क्राइम कमिट करा है तो उस पुलिस रिपोर्ट को कहा जाता है चार्जशीट ये हमने आम बातचीत में बहुत बारी इस शब्द को सुना होगा चार्जशीट कि चार्जशीट सबमिट हो गई पुलिस ने चार्जशीट लगा दी उस पुलिस रिपोर्ट को कहा जाता है चार्जशीट जहां पे अक्यूज को दोषी पाया गया हाँ भाई इस के खिलाफ हमें एविडेंसेस मिले हैं जज साहब अब आप आगे ट्रायल कीजिए एंड अंत में जो भी निर्णय होगा वो मैजिस्ट्रेट साहब का आएगा पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट कर देती है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन करी है उसके हिसाब से जो साक्ष्य मिले हैं इस अक्यूज के खिलाफ हमें साक्ष्य मिल गए हैं और उससे हमें लगता है कि इस अक्यूज ने क्राइम कमिट करा है तो अब आप इसका ट्रायल कंडक्ट कर लीजिए मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन भी है कि वो चार्जशीट को रिजेक्ट कर दे और कहे कि नहीं मुझे जो आपने साक्ष्य दिखाए उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस अक्यूज के खिलाफ कोई भी कार्यवाही आगे होनी चाहिए बट दैट्स अ सेपरेट इशू ऑल टूगेदर अब होता क्या है पुलिस के पास पावर है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो पुलिस के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकती है अक्यूज को जिसके खिलाफ इंफॉर्मेशन मिली है उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है ये पुलिस के पास पावर है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के साथ अरेस्ट होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो कि जनरली थोड़े कम पनिशमेंट के या नॉन सीरियस माने जाते हैं वहां पे magistrate के order के ऑर्डर बाद ही या तो इन्वेस्टिगेशन होगी या अरेस्ट होगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं जिनमें पुलिस अपने आप से संज्ञान नहीं ले सकती उनमें एनसीआर दर्ज होती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट यहां पे हम बात कर रहे हैं एफआईआर की जो कि कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में दर्ज की जाती है एफ आई आर विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन वन फिफ्टी फोर ऑफ सी आर पी सी नाइनटीन सेवनटी थ्री क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन पे दर्ज की जाती है कॉग्निजिबल ऑफेंसेस यानी कि उदाहरण के तौर पे मर्डर उदाहरण के तौर पे रॉबरी उदाहरण के तौर पे डकैती जो थोड़े सीरियस अपराध होते हैं उन्हें कॉग्निजेबल कहा जाता है जिनकी इनफैक्ट पनिशमेंट भी काफी ज्यादा होती <coughs> अब होता क्या है पुलिस के पास पावर है अरेस्ट करने की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लेकिन अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट नहीं करा तो अक्यूज इज नॉट अंडर कस्टडी वेरी वेल लेकिन प्रैक्टिस यह बन गई थी कि जैसे ही चार्जशीट सबमिट हुई हम अक्यूस्ड को अरेस्ट कर लेंगे या तो खुद और मैजिस्ट्रेट साहब से कस्टडी के लिए बोलेंगे और मैजिस्ट्रेट साहब कस्टडी में भेज देंगे अरेस्ट होने के बाद मतलब कि एक प्रैक्टिस बन गई थी ऑफ ऑटोमेटिक अरेस्ट ऑन दी फाइलिंग ऑफ चार्जशीट ऑटोमेटिक अरेस्ट ऑन दी फाइलिंग ऑफ चार्जशीट कि भाई एक अक्यूज है उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई यानी कि पुलिस के हिसाब से जो साक्ष्य मिले हैं इस अक्यूज ने इस व्यक्ति ने क्राइम करा है अब इस व्यक्ति का ट्रायल होगा तो जो चार्जशीट सबमिट हुई उसी समय ऑटोमेटिकली एक अरेस्ट करने की अक्यूज को एक प्रैक्टिस बन गई थी अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में भी ऐसा ही हुआ था जो थे वो अपियर नहीं हो रहे थे डेट पे और जैसे ही चार्जशीट फाइल हुई उसी समय के दौरान उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल करी एंटीसिपेटरी बेल मतलब आप सेशंस कोर्ट या कोर्ट से बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ एक केस दर्ज हो रहा है जो कि सत्य नहीं है मैंने वो क्राइम कमिट नहीं करा एंड इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट इस शंका के साथ कि आप अरेस्ट होने वाले हैं कैसे ऐसे केस में जहां पे आपने वो क्राइम कमिट नहीं करा आप अरेस्ट होने से पहले ही बेल मांग लेते हैं कोर्ट से और कोर्ट अगर ग्राउंड्स को सुनकर जो स्टेट की तरफ से सरकार की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे उनको सुनकर अपना निर्णय देता है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल जाती है तो अगर पुलिस आपको अरेस्ट भी करने आती है तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि आपके पास एंटीसिपेटरी बेल है तो पुलिस को आपको बेल पे छोड़ना पड़ेगा और अगर नहीं ग्रांट होती तो पुलिस की डिस्क्रिप्शन है और मैजिस्ट्रेट का अगर वारंट आ जाए तो आप अरेस्ट हो जाते तो इस केस में भी जो अक्यूज थे उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मूव करी थी अब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई पे बेल की एप्लीकेशन के रिलेटेड भी बात हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो इशू आया वो बहुत सिंपल नहीं था सिर्फ इस केस से रिलेटेड नहीं था सुप्रीम कोर्ट का विजन ये था कि इस केस के फैक्ट्स के पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है जिसको हमें समझना पड़ेगा और बाकी सारे देश को समझाना पड़ेगा कि भाई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैन नॉट वर्क लाइक दिस कि आप चार्जशीट फाइल होते ही ऑटोमेटिकली अरेस्ट कर लें अक्यूज को इफ ही इज आउट इफ ही इज नॉट इन कस्टडी आप ऑटोमेटिकली अरेस्ट कर लेते हैं अक्यूज को दैट इज समथिंग विच इज नॉट करेक्ट In fact, इस केस में पुलिस की पावर्स ऑफ़ अरेस्ट पे भी बात करी गई बेल के क्या फैसेट्स हो सकते हैं उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करी और एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रिजम्पन ऑफ इनोसेंस एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी तब तक एक विधि द्वारा स्थापित प्रोसीजर के हिसाब से आपको गिल्टी नहीं पाया जाए ट्रायल हुआ पूरा केस चला और अंत में आपको गिल्टी पाया गया आपको दोषी करार करा गया तब तक यह प्रिज्यूम करना बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं कमिट करा यह व्यक्ति इनोसेंट है दिस पर्सन इज इनोसेंट अंटल प्रूवन गिल्टी ब्लैकस्टोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है That लेट हंड्रेड क्रिमिनल्स लेट हंड्रेड गिल्टी बी रिलीज्ड, बट नॉट इवन अ सिंगल इनोसेंट शैल बी पनिश्ड कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत सतर्कता के साथ इस बात को एनालाइज करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति का जीवन उस व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी उस व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में मेंशन भी करा है कि हम पुलिस स्टेट नहीं बन सकते हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को उस व्यक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को और अधिकारों को वैल्यू देनी पड़ेगी बिकॉज डेमोक्रेसी का एसेंस ही वहां पर है डेमोक्रेसी exactly चलते हैं ऑब्जर्वेश बहुत सीधे सरल शब्दों में हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्वेशन क्या दी है सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट के बारे में बात की सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 धारा नंबर 41 दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस सेक्शन 41 वन सीआरपीसी नाइनटीन सेवनटी ये पावर देती है एक पुलिस ऑफिसर को टू अरेस्ट विदाउट वॉरंट इन अ कॉग्निजिबल केस लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्ट बिकॉज एक कॉग्निजेबल केस आया है आपके सामने या एक इंफॉर्मेशन मिली है रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या आप सिर्फ इसी बेसिस पे अक्यूज को अरेस्ट करके और कारावास में डाल देंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते व टू बी रिस्पॉन्सिबल इन एक्सरसाइजिंग योर ड्यूटीज एज द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और पुलिस ऑफिसर्स आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिलते ही अक्यूज को कारावास में डाल दें ऐसा नहीं हो सकता अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने पड़ेंगे आपको अब सेक्शन फोर्टी वन बात करता है प्राइमरिली टू फैसेट्स की जब भी एक केस सात साल की सजा से कम का हो या इक्वल मतलब कि जो ऑफेंस है वो कमिट करा गया है उसकी सजा या तो सात साल से कम है या सात साल तक की है आप उन केसेस में अरेस्ट से बचेंगे यू आर नॉट सपोज टू मेक ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल अरेस्ट इन सच सिचुएशंस। इंस्टेड आप क्या फॉलो करेंगे आप फॉलो करेंगे प्रोसीजर ऑफ 41 ए यानी कि आप उस व्यक्ति को देंगे नोटिस ऑफ अपियरेंस पुलिस ऑफिसर को उस व्यक्ति को नोटिस देना पड़ेगा कि आप आइए और आपके खिलाफ हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है तो आपको पुलिस स्टेशन आना है हाजिरी देनी है और तब हम आपकी स्टेटमेंट भी लेंगे और आपका इस इंफॉर्मेशन से सामना भी कराएंगे नोटिस नोटिस ऑफ़ ऑफ़ अरेस्ट नहीं है है बिफोर पुलिस ऑफिसर जहां पर भी पुलिस को लगता है कि अरेस्ट की जरूरत नहीं है इनफैक्ट सात साल से कम वाले जितने भी ऑफेंसेस हैं उसमें अरेस्ट करने से बचना है हमें एक व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को हेम्पर नहीं करना और अगर सात साल से ऊपर का भी ऑफेंस है तो भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बहुत स्पष्ट कही कि आप सिर्फ इस बेसिस पे कि आपको लगता है दैट दी पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ विच दी इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड यू विल नॉट जस्ट स्ट्रेट अवे गो एंड अरेस्ट यू हैव टू सेटिस्फाई योर सेल्फ you have to satisfy yourself regarding the commission of offence also that most probably this person has committed the offence of which the information has been received and along with that you will also have to see that whether this person is going to hamper in the investigation is he going to go and intimidate a witness is he going to promise or induce the witness something so that the witness does not testify in court is he going to tamper the evidence which is available is he going to commit a further offence or is this accused person regarding whom information has been received will he be available and present during the trial before the magistrate स थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रोमिस टू दिटनेसेसिटिंग ऑफ फर्दर ऑफेंस इंश्योरिंग प्रेजेंस इन द कोट एंड फेसिलिटेटिंग इन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको साथ में कंसिडर करना पड़ेगा और सिर्फ कंसिडर नहीं करेंगे आप सिर्फ कंसिडर नहीं करेंगे सेटिस्फैक्शन के साथ आप रीजन भी रिकॉर्ड करेंगे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप रीजन भी रिकॉर्ड करेंगे कि आपने इस अक्यूज को अरेस्ट क्यों करा यू विल रिकॉर्ड प्रॉपर रीजन फॉर दैट एज वेल तो टेक्निकल मैकेनिकल ऑटोमैटिक अरेस्ट नहीं कर सकते आप एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया दैट इफ मैंडेट ऑफ फोर्टी वन अलोंग विद फोर्टी वन ए इज नॉट कंप्लाइड देन द अक्यूज विल बी एंटाइटल्ड टू बेल अक्यूज का ये अधिकार बन जाएगा कि अक्यूज को अगर अरेस्ट करा जा रहा है तो उसको बेल पे छोड़ा जाए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मैजिस्ट्रेट का क्रिमिनल कोर्ट्स का दायित्व है रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्सनल लिबर्टी ऑफ दूस को प्रोटेक्ट करा जाए that जब भी अरेस्ट हो रहा है तो क्या वो सॉलिड ग्राउंड कोजेंट ग्राउंड पे और प्रॉपर सेटिस्फैक्शन और रीजन को रिकॉर्ड करने के बाद है या सिर्फ और सिर्फ ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल अरेस्ट हो रहा है दिस कैनॉट बी एक्सेप्टेड That is what the Supreme Court said. ये जो पुलिस का अरेस्ट करने का मेजर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि समाज में रूल ऑफ लॉ बना रहे शांति हो और मुजरिम क्राइम ना कमिट करे पर यदि आप किसी व्यक्ति को अल्टीमेटली दैट पर्सन इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल एंड उसके वही राइट्स हैं जो आपके या हमारे हैं तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट करा भी जा रहा है तो प्रॉपर ग्राउंड होने चाहिए उनको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा और आपको सेटिस्फेक्शन भी शो करनी पड़ेगी दैट दिस पर्सन शुड हैव बीन अरेस्टेड वरना आप नोटिस ऑफ अपियरेंस दीजिए और अक्यूज को बोलिए आपके सामने आए और आंसर करें आपके क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंटली द सुप्रीम कोर्ट एज ऑल्सो टच्ड अपॉन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेज इंटू फोर कैटेगरीज यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑफेंसेस को चार कैटेगरीज में क्लासिफाई करा ए बी सी और डी कैटेगरी ए की अगर हम बात करें तो यहां वो ऑफेंसेस आते हैं जिन ऑफेंसेस में पनिशमेंट सेवन इयर्स से कम या उसके इक्वेलेंट है जिन ऑफेंसेस में पनिशमेंट सेवन इयर्स से कम या उनके इक्वेलेंट है आगे अगर हम आए कैटेगरी बी पे यहां पे जो ऑफेंसेस हैं उनकी पनिशमेंट सेवन ईयर्स से ज्यादा की मोर देन सेवन ईयर्स वो ऑफेंसेस जिनकी सजा जो लॉ ने बताई है वो सात साल से ज्यादा की है कैटेगरी सी आती है हमारे पास स्पेशल एक्ट्स जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें यूएपीए एन डी पी एस एक्सेट्रा ये कुछ स्पेशल कानून है जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नार्कोटिक ड्रग्स इंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेज एक्ट ये कुछ ऐसे कानून है जो पर्टिकुलर और बहुत सीरियस ऑफेंसेस को डील करने के लिए बनाए गए हैं और आगे हम आते हैं कैटेगरी डी पे जहां पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात करी गई सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों ऑफेंसेस को कैटेगराइज करा और बताया कि इन सब में हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है कैटेगरी ए के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप यहां पे पहले समन्स इश्यू करेंगे माइल्डर प्रोसेस है कि आइए आपको बुलाया जा रहा है आप कोर्ट में आइए और ट्रायल फेस कीजिए या मैजिस्ट्रेट साहब के सवालों का उत्तर दीजिए आपकी जरूरत है प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए आप कोर्ट में वारंट यानी कि पुलिस अफसर जाएगा और आपको कोर्ट में लेकर आएगा कैसे बेलेबल वारंट में जनरली एक अमाउंट भी मैंशन होता है कि जब पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आएगा बेलेबल वारंट प्रोड्यूस करा जाएगा मैजिस्ट्रेट साहब का और आप वो श्योरिटी देंगे जो अमाउंट उसमें लिखा है और उसके बाद आप कोर्ट में प्रेजेंट होंगे जब भी आपको बुलाया जाएगा और अगर बेलेबल वारंट से भी बात नहीं बनती तब हम आएंगे एक नॉन बेलेबल वारंट में जहां पे पुलिस अफसर आपको अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के सामने खुद प्रोड्यूस करेगा आप नहीं आएंगे आपको अरेस्ट करा जाएगा और फिर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करा जाएगा यानी कि पहले समन्स माइल्डर प्रोसेस अडॉप्ट करना है इवन लॉ भी यही कहता है इफ यू सी आर अवेयर सेक्शन 204 इशू ऑफ प्रोसेस द यूज्ड यूज शैल इशू समन्स एंड मे इशू वारंट। माइल्डर प्रोसेस बी अडॉप्टेड फर्स्ट समीजिएबल वारंट और नहीं बात बनती तब नॉन अवेलेबल वारंट पे पुलिस अफसर अरेस्ट करके खुद प्रोड्यूस करेगा मैजिस्ट्रेट के सामने दिस इज वॉट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड फॉर कैटेगरी कैटेगरी ए ऑफेंसेस बी और डी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पे जो बेल की एप्लीकेशन है वो ऑन मेरिट्स डिसाइड होगी क्योंकि अब अल्टीमेटली जो ऑफेंस है वो कहीं ना कहीं सीरियस नेचर का हो गया है इसीलिए अब जो भी बेल एप्लीकेशन डिसाइड होगी के के वो ऑन मेरिट्स होगी बेल की एप्लीकेशन डिसाइड होगी यदि इस व्यक्ति को बेल पे छोड़ा जाना चाहिए या नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहां तक कैटेगरी सी की बात आती है क्योंकि स्पेशल एक्ट्स है स्पेशल एक्ट्स में जनरली एक प्रोसीजर एक कंप्लायंस दी गई होती है जिनको फॉलो करना जरूरी है यूएपीए में भी है एनडीपीएस में भी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी है अन्य जितने भी इस तरीके के स्पेशल एक्ट है स्टेट्यूट हैं उन सब में कोई ना कोई एक स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है स्पेशल कंप्लायंस कंडीशन दी हुई है कि अक्यूज को हम कब बेल पे छोड़ सकते हैं हमें वो फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर दी जनरल लॉ वहां पे भी हमें अक्यूज की पर्सनल लिबर्टी और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस केस का उतना ही ख्याल रखना है इस केस में साथ ही साथ बेल के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आई सुप्रीम कोर्ट की बेल के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक बेल की है, आप उस बेल की एप्लीकेशन को टू वीक्स के अंदर अंदर डिसाइड करेंगे या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो तो आप रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि दो हफ्ते में क्यों नहीं करा गया वरना मैंडेट ये है सुप्रीम कोर्ट का कि दैट विद इन टू वीक्स यू विल डिसाइड द एप्लीकेशन ऑफ बेल और यदि एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है इफ इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल देन वी विल डिसाइड दैट एप्लीकेशन इन सिक्स वीक्स अनलेस अगेन एक्सेप्शनल एक्सीजेंसीज एंड सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट दो वीक्स और छह वीक्स का टाइमलाइन दे दिया सुप्रीम कोर्ट बेल की एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से दरख्वास्त करी कि आप स्पेशल कोर्ट्स बनाइए जैसी कंट्रीज में भी है एक पर्टिकुलर बेल एक्ट बनाइए जहां पे बेल के रिगार्डिंग एक स्पेशल लॉ डिजाइन करा जाए स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश करिए ताकि बेल की प्रोसेस हो सके ईजी हो सके एफिशियंट हो सके थर्टी सिक्स ए की अगर हम बात करें ऑफ सीआरपीसी वहां पर साफ साफ लिखा गया है और शैल वर्ड यूज करा है यानी कि मैंडेटरी है इसको फॉलो करना कि अगर कोई अंडर ट्रायल है क्या मैक्सिमम पीरियड है जब तक आप उस व्यक्ति को कारावास में रख सकते हैं टिल वॉट टाइम कैन अ पर्सन बी इम्रिजेंड इफ इज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर द इज आधा ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर देंस विद विच दैट पर्सन हैज बीन उस व्यक्ति के खिलाफ चार्ज लगा है उस ऑफेंस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है उदाहरण के तौर पे अगर 10 साल दी गई है तो आधा समय यानी कि पांच साल तक आप उस व्यक्ति को एज एन अंडर ट्रायल प्रिजन में रख सकते हैं उसके बाद आपको छोड़ना ही छोड़ना है <coughs> लेकिन आज स्थिति थोड़ी डिफरेंट है टू थर्ड ऑफ द प्रिजनर्स ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है टू थर्ड ऑफ द प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स

ये बेल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पर्सनल लिबर्टी यू कांट अननेसेसरली अ पर्सन पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ द द फैक्ट दैट हैज बीन नेमड इन एन एफ आई आर और इज गोइंग थ्रू अ ट्रायल प्रोसेस नो लिबरल इंटरप्रिटेशन दीजिए और अक्यूज की पर्सनल लिबर्टी को इंपॉर्टेंस दीजिए साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेल के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि क्या स्टेटस है का क्या वो स्टेटसड कोई और कार्य भी कर रहा है मतलब कोई और ऑफेंस भी कर रहा है है साथ साथ सीरियसनेस क्या व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आप बेल दीजिए यदि एक व्यक्ति का बिल्कुल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है प्रॉपर इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी अवेलेबल नहीं है तो आप उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से सारा समय हटाकर क्यों इनकारट करके कारावास में डालना चाहते हैं उस व्यक्ति की भी तो पर्सनल लिबर्टी है इन वेरी एक्सट्रीम केसेस ऑफ़ कोर्स इन इंपॉर्टेंट केसेस हमें समाज को सही दिशा में लेकर जाना है तो अरेस्ट करना इंपॉर्टेंट भी होता है और वो अरेस्ट ऑटोमेटिक नहीं हो सकता उसके लिए कोजेंट ग्राउंड सॉलिड ग्राउंड अवेलेबल होने चाहिए या अक्यूस्ड कोऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ इफ ही इज कोऑपरेटिंग देन व्हाई आर यू अरेस्टिंग हिम अननेसेसरली दैट इज नॉट करेक्ट दैट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन यहां पर आई है जो तो कि है रिलेटेड टू सेक्शन 389 ऑफ सीआरपीसी

यदि एक व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया गया है मतलब कोर्ट ने कह दिया है कि आप दोषी पाए गए हैं और उस व्यक्ति को सजा सुना दी गई है और वो व्यक्ति उस डिसीजन के खिलाफ अगर हायर कोर्ट में अपील लेकर गया है तो उस व्यक्ति का जो सेंटेंस है उसको उस समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाए पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रिजम्पन ऑफ इनोसेंस नहीं ले सकते बिकॉज एक कोर्ट ने उस व्यक्ति को ऑलरेडी दोषी करार कर दिया है और ना ही ऑफ इनोसेंस के साथ साथ हम बेल इज द रूल जेल इज द एक्सेप्शन वाला भी फैक्टर कंसिडर नहीं कर सकते अदर फैक्टर्स है क्या वो व्यक्ति की उम्र सोलह साल से नीचे है क्या वो व्यक्ति अपने आ, समाज में एक सही पोजिशन रखता है बहुत सारे फैक्टर्स है पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी एक इंपॉर्टेंट फैसेट है हमें थ्री एटी नाइन सीआरपीसी को भी लिबरली कंस्ट्रू करना पड़ेगा और यदि कोई व्यक्ति पोस्ट कन्विक्शन बेल के लिए अप्लाई करता है अंडर सेक्शन 389 तो उसको भी हमें जुडिशियसली एंड ऑन प्रॉपर ग्राउंड्स कंसिडर करना चाहिए जहां तक बात आती है सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी की जहां से इस केस की पूरी की पूरी कहानी शुरू हुई थी यानी कि चार्जशीट फाइल होने पे अक्यूज का ऑटोमेटिक अरेस्ट वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 170 सीआरपीसी ऐसा नहीं कहता 170 सेवेंटी सीआरपीसी डज नॉट टॉक अबाउट दिस जस्ट बिकॉज देर इज अ चार्जशीट दैट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट दूस नॉट सिंपली एंड ऑटोमैटिकली अरेस्ट दूज प्रोड्यूसर द मैजिस्ट्रेट दैट इज नॉट करेक्ट दैट इज एब्सोल्यूटली नॉट करेक्ट और इससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था सिद्धार्थ वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था और अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात को दोहराना पड़ा एडजमेंट सेक्शन 309 ऑफ सीआरपीसी नेक्स्ट जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल को बढ़ाते मत जाइए आज एडजमेंट फिर अगली तारीख फिर एडजमेंट फिर एडजमेंट दिस कैन नॉट हैपन मिजरी ऑफ विक्टिम एज वेल एज दक्यूज बोथ इज ट्रैम्प्ड अप अब दोनों की परेशानी बढ़ा रहे हैं और कोर्ट के ऊपर तो प्रेशर बढ़ ही रहा है नहीं एडजर्नमेंट्स मिलेंगी तो कुछ बहुत एक्सेप्शनल ग्राउंड में मिलेंगी 309 ये जीरो बताता है कि आप एडजमेंट स्पेशल रीजन को रिकॉर्ड करके ही देंगे रेगुलर एडजर्नमेंट्स नहीं मिलनी चाहिए और अगर ऐसा होता है देन अक्यूज्ड डिले अननेसेसरी डिले इन ट्रायल ऐसा होता है देन अक्यूज विल बी एंटाइटल्ड टू गेट बेल That will be a factor which should be considered for bail. Why not? Because speedy trial is a facet of Article Twenty One. Even Justice Bhagwati in Husseinara Hatun versus the State of Bihar has said this already. So regular adjournments should not be a very very common thing which is being given out by the courts. That has to stop. And the Supreme Court, also said ट अगर इन सारी डायरेक्शन का उल्लंघन होता है डिपार्टमेंटल एक्शन और जो भी जुरिस्डिक्शनल हाईकोर्ट है जिस भी हाईकोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में वो कार्य करा गया है वहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी प्रोसीडिंग चलेगी डिपार्टमेंटल एक्शन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ दी कोर्ट। दे वोल्सो आस्ट द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटोरी गवर्नमेंट्स

डिलीवर दिस दैट हैज बीन आवर एंड टू डिलीवर दिस इन द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स सो दैट यह सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जिनके पास लॉ की टेक्निकल जानकारी है सिर्फ उनके लिए फायदेमंद ना रहे हमारी यह कोशिश है कि ये सबके लिए फायदेमंद हो जो भी इस वीडियो को देखें और लॉ को समझने की कोशिश करें धन्यवाद